देखिए पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ पिछले 24 घंटे में और उससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लाइट टू मॉडरेट बरसात हुई है। चौड़ी में जिला चंबा में हाईएस्ट रेनफॉल हुई है 4 सेंटीमीटर और उसके बाद प्रदेश के बाकी एरियाज में लाइट टू मॉडरेट बारिश रही है और ये सिलसिला आज भी कंटिन्यू करेगा। आज भी प्रदेश के ज्यादातर एरियाज में बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। कल से जरूर इसमें कमी आएगी बारिश में और 18 तारीख से फिर मौसम ठीक हो जाएगा। तो ये पश्चिम विक्षोभ जो भी सक्रिय है आज ज्यादा असर रहेगा इसका, कल से इंटेंसिटी कम हो जाएगी। हालांकि बारिश रहेगी लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी कम रहेगी और 18 तारीख से मौसम में तब्दीली होगी, ठीक हो जाएगा। तो बर्फबारी खासकर ऊपरी क्षेत्र जो है लाहौल स्पीति किन्नौर और कुल्लू के ऊपर के एरियाज में बर्फबारी हुई है, हल्की बर्फबारी। और तापमान जो है शिमला का 11 डिग्री सेल्सियस आसपास है न्यूनतम, जो सामान्य के आसपास है, और मैक्सिमम 21 के आसपास। लोएस्ट टेम्परेचर केलोंग में 1.2 डिग्री सेल्सियस रहा है अभी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उनमें आज कमी आएगी क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो है आज भी सक्रिय रहेगा और कल भी सक्रिय रहेगा और 18 तारीख से जैसे मैंने कहा फिर से एक बार परिवर्तन आएगा और टेम्परेचर जो है उसमें भी कमी आएगी।